हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं स्टर्लिंग फार्मूला पर बेस्ड, जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस पर आधारित है। क्वेश्चन क्या कह रही है, यूज स्टर्लिंग फार्मूला टू फाइंड Y35। और हमें जो गिवन टेबल है या फिर ऑब्जर्वेशन है वो है कि Y20 पे 512 है, Y30 पे 439 है, Y40 पे 346 है और Y50 पे 243 है। और अगर वाई एक्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पर्सन्स को एट एज एक्स पर इन अ लाइफ टेबल, तो आपको Y35 पर वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। तो देखिए 20, 30, 40, 50 है और हमें जो वैल्यू निकालनी है Y35 पर निकालनी है, यानी कि एक्स के प्लेस पे 35 है और इनके बीच का अंतर कितना है 20, 30, 40, 50, यानी कि h के प्लेस पे 10 है, जो जिनके बीच का जो डिफरेंस है h बराबर 10 दे रखा है। अच्छा, हमें जो Y35 निकालना है वो 30 और 40 के बीच में है, तो हमें सेंटर कंसीडर करना होता है। तो हम सेंटर किसको कंसीडर कर देंगे, Y30 को, यानी कि a हम कंसीडर कर रहे हैं 30 को, a है हमारे 30। तो हम जानते हैं x बराबर होता है a प्लस UH, क्योंकि हमें u की वैल्यू चाहिए होती है। x 35 पे निकालना है, a 30 है, u पता नहीं है, h हमारे पास 10 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी 0.5। ठीक, अब हमें डिफरेंस टेबल बनाना है। ये x का कॉलम, ये u का कॉलम, fu, del fu, del square fu, del cube fu, ऐसा हो जाएगा। x क्या है हमारे पास, 20 से 20, 30, 40, 50 दे रखा है। सेंटर हमें किसको कंसिडर किया है, 30 को, तो 30 के सामने u वाले में 0 लिखना है, 0, माइनस 1, 1, 2, ठीक है। तो इस पर वैल्यू कितनी दे रखी है, 512, इस पर कितनी दे रखा है, 439, इस पर 346 और इस पर 243, ये देखिए। अब डिफरेंस निकालना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 73, 346 में से 439 को माइनस करेंगे 93 माइनस का, और 243 में से 346 को माइनस करेंगे तो माइनस का 103। सिमिलरली दिस माइनस दिस माइनस 20, दिस माइनस दिस माइनस 10 एंड दिस माइनस दिस 10। नेक्स्ट टेबल तो बन ही नहीं सकती क्योंकि एक ही ऑब्जर्वेशन है। अब यहाँ से देखिए ये किसकी वैल्यू होगी, ये हमारे पास है डेल एफ माइनस 1 की वैल्यू, सॉरी डेल नहीं है, सिर्फ सिंपल एफ माइनस 1 की वैल्यू, और ये हमारे पास क्या है, F0 पे वैल्यू, ये हमारे पास है डेल F माइनस 1 की वैल्यू और ये हमारे पास है डेल स्क्वायर F माइनस 1 की वैल्यू और ये हमारे पास है डेल क्यूब F माइनस 1 की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस 1 से स्टार्ट है ना, तो ये 1 पे देगा, ये 0 पे देगा और ये 1 पे देगा, ये माइनस 1 पे देगा और ये 0 पे देगा, ऐसे बनाते हैं। अब इन वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट कर देना है और आपको स्टर्लिंग फार्मूला पता ही होगा, ये चीज़ होती है फॉर्मूला, सिर्फ x के प्लेस पे आपको u लिख देना है। यहाँ पर मैंने x के डम में लिखा है, बस x की जगह पर u है, तो आपको क्या करना है, f ज़ीरो की वैल्यू, f माइनस डेल f माइनस 1 की वैल्यू, डेल f ज़ीरो की वैल्यू, ठीक है, x के प्लेस पे u है, ये ध्यान रखना है, u की वैल्यू, इन सब वैल्यूज़ को उठाकर यहाँ पर रख देना है। ये हमने रख दिया है, ये हमारा है f ज़ीरो की वैल्यू, ये u की वैल्यू 1/2, ये हमारा डेल f ज़ीरो की वैल्यू, ये हमारा डेल f माइनस 1 की वैल्यू, ये u स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हमारा है डेल स्क्वायर f माइनस 1 की वैल्यू, ये हमारा एक u स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, 1/2, 10 तक ही है, तो यहाँ आ जाएगा। सॉल्यूशन करने के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप कैलकुलेटर की मदद से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व कर देंगे तो आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा।